ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ KPTCL रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी प्रकार के जो अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KPTCL बोलते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 3640 है। नेम ऑफ वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड अदर्स, जिनकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 22 फरवरी 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च 2019 है, यानी कि 22 फरवरी से लेकर 30 मार्च 2019 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन कर्नाटका, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग कर्नाटका के अंदर होगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट KPTCL.com, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती की वैकेंसी डिटेल के बारे में बताता हूँ, यानी कि कौन सी पोस्ट निकाली गई है और कितने पदों के लिए निकाली गई है। तो चलिए जान लेते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये 94 पदों के लिए निकाली गई है। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, इसके लिए 533 पद निकाले गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए 598 पद निकाले गए हैं। जूनियर हेल्पर के लिए 423 पद निकाले गए हैं। ड्राइवर के लिए 126 पद निकाले गए हैं। जूनियर स्टेशन चेकर के लिए 103 पद निकाले गए हैं और जूनियर पावरमैन के लिए 1769 पद निकाले गए हैं, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 3640 पद। दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास 12वीं या ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग में योग्यता है तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है, जिसके लिए आपको 12वीं पास या ग्रेजुएट या डिप्लोमा इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग की योग्यता चाहिए, तभी आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट, यानी कि जो इन लोग इन पोस्ट पर आवेदन करेंगे उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में, वही लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता चुका हूं कि आपका सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं, क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए उसकी डेट्स ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें आवेदन शुरुआत होने की तिथि 22 फरवरी 2019 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2019 है। एग्जाम डेट के बारे में अभी जानकारी नहीं आई है, जैसे इसके बारे में मुझे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी, दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी वजह से मैं आपको जानकारी बोल रहा हूँ। अगर इसके बारे में मुझे कोई डिटेल जानकारी मिलती है और उसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया जाता है तो मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर कर दूंगा। पे स्केल, यानी कि इन पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, अभी इसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला भी हूँ, उसके अंदर पे स्केल यानी कि सैलरी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने का तरीका, कि कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि KPTCL.com। इसके बाद आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर चले जाना है जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आपको अपने फॉर्म के अंदर सभी जानकारी भर देनी है जो कि वहाँ पर मांगी गई हो। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। इसके बाद आपने जो डिटेल्स भरी है वो आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको उसको वहीं के वहीं क्लियर कर लेना है। और लास्टली आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फोटो कॉपी जरूर ले लें, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। दोस्तों, अब बात आती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस से अगर अप्लाई ऑनलाइन लिंक या ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रही है, इसका ऑफिशियल
ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से अनाउंस हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन और जो मैंने आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दी है, यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितने पद निकाले गए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और सॉरी, मैं आपसे माफी चाहूँगा, यहाँ पर सैलरी डिटेल के बारे में जानकारी दी गई जो कि इसके नीचे ही दी गई है, जो कि अगर मैंने आपको एक एक करके बता तो शायद वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ से एक अच्छे से देख सकते हो कि आपको किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी और किस डिपार्टमेंट में कितने पद निकाले गए। जैसे कि केपीटीसीएल के लिए 30 पद है, सैसकॉम के लिए 8 है, हैसकॉम के लिए 8 है, मैसकॉम के लिए 15 है और जेसकॉम के लिए 31 है, जो कि कुल मिलाकर के 94 पद हो जाते हैं। और यहाँ पर आप सैलरी के बारे में देख सकते हो कि आपको जो मिनिमम सैलरी दी जाएगी वो 46,080 होगी और मैक्सिमम सैलरी आपको 98,030 रुपये दी जाएगी, जो कि इस क्रम में रहने वाली है जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर सभी पोस्ट की सैलरी चेक कर सकते हो और बाकी जो आप देख सकते हो ये शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में बस यहाँ पर ये बताया गया है कि आप ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हो। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई, यानी कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करना है, जैसे कि हैसकॉम, बैसकॉम, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। आप इन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी केपीटीसीएल रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जो कि भर्ती निकाली गई 3640 वैकेंसीज के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस जानकारी से संबंधित कोई और सवाल भी पूछना हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। और इस वीडियो को लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें।